हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर्स हैं वो अपनी फीस आईसीआई को कैसे पे करेंगे, क्योंकि हमारी जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमको हमारे गूगल क्रोम पर लिखना है सेल सर्विस पोर्टल। जैसे ही आप सेल सर्विस पोर्टल लिखेंगे, आपको अपना आईसीआई ई सर्विस पर क्लिक करना है। सबसे पहली जो साइट आएगी इसके ऊपर आपको यहाँ पर आपका ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड आपका बना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप अपनी यूजर आईडी डाल दीजिए। यूजर आईडी जो हमारी होती है वो नॉर्मली क्या होती है, जो हमारा मेंबरशिप नंबर होता है वही हमारी यूजर आईडी होती है। चलिए उसके साथ आपको लिखना है ICI.org और जो आपका पासवर्ड बनाया होगा, अगर आप भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। कुछ थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जिस प्रकार आपको अपना इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपका सबका नाम, आपका पूरा स्टेटस दिखाई देगा। हमको आप फाइनेंशियल ईयर जो है 24 के लिए फीस पे करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मेंबर फंक्शन में। मेंबर फंक्शन में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इससे पहले आपको, अगर मैंने क्या करा है, मैंने ऑलरेडी जो मेरा फॉर्म फिल था नो योर मेंबर फॉर्म, उसके ऊपर मैंने यस कर दिया है, इसलिए मुझे ये इंटरफेस दिखाई देगा। नहीं तो आपको क्या पहले पूछेगा कि आप क्या नो योर मेंबर फॉर्म में फीस आप कुछ चेंज करना चाहते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है, और नहीं चाहते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी पूरी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। पर्सनल डिटेल के बाद आपके बाद फिर यहाँ पर आप पूछेगा कि आप एनुअल मेंबर फीस पर ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा आपके करंट ईयर की। अब वो पूछ रहा है कि आप चाहते हैं कि एडवांस में मेंबर फीस पे करना, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो रहना है। उसके बाद फिर आपसे पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई सीए फंड, अगर यस करना चाहते हैं नहीं तो हम नो करेंगे। आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारा जो मेंबर फंड होता है उसमें, नो हम नहीं करना चाहते। अगर आपको प्रिंटेड कॉपी मिलवाना बुलानी है ई जर्नल की, तो आपको करना पड़ेगा यस। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेंगे, नहीं तो आप फिर ई जनरल कर सकते हैं। चलिए आप ई जनरल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जाना है आपको नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर आपको इस प्रकार दिखाई देगा, हम जो फीस पे कर रहे हैं वो किसी कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आप पे कर रहे हैं। उसके बाद देखो आपका फीस का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, सबसे पहले ई जनरल डिस्काउंट आपको 500 रुपये, क्योंकि आप ई जनरल की कोई फीस नहीं लगती है। अगर आप प्रिंटेड मंगाते तो आपकी 500 रुपये फीस लगती है। अगर आपने मेंबरशिप COP ले रखी है तो उसके 3000 रुपये। मेंबरशिप फीस अगर एसोसिएट्स हैं तो आपके 1500 रुपये। मैंने दोनों ले रखी है, मेरा COP भी है और फिर मैं फीस, इसलिए मेरा टोटल मिला के हो गया 4000। 4000 के ऊपर आपके ऊपर 18% आपके ऊपर GST लगेगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 4720। और यदि आपसे आप COP नहीं है आपसे ओनली, तो आप फिर आपके सिर्फ आपको मेंबर फीस लगेगी 1500 रुपये और उसके ऊपर GST जो भी लगना है। लेकिन मेरा दोनों है इसलिए मुझे ये फीस पे करना पड़ रही है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है एग्री पे जाकर। एग्री पर जाने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब बोल रहा है आर यू शू वांट टू सबमिट द फॉर्म, वन सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू एडिट एनी डिटेल। तो आप हाँ में कुछ चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो आप ओके कर देंगे। ये आपको आपके जो उस पर ले जाएगा। आप चाहे तो डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, और आप चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तो मैं नेट बैंकिंग से पे कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपनी बैंक सेलेक्ट करें, SBI, मेरी SBI है, मैं SBI सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पे पर क्लिक करें। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे, आपको अपनी यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी डालना है, और इसके यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार दिखाई देगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका सेविंग अकाउंट, आपका ब्रांच का नाम आएगा,
उसके बाद बोलेगा आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको सिक्योरिटी आएगी, जो आपको ओटीपी डालना है। और उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। आपका लिखा जाएगा यूर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाएगा आपकी साइट के ऊपर। आपको वेट करना है, इस पर कोई भी बटन आपको क्लिक नहीं करना है। आपका लिखा जाएगा यूर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, आप चाहें तो इसकी फोटो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड एनुअल रिन्यूअल रिसीट आपकी मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। आपकी डाउनलोड हो जाएगी।